Assalamualaikum everyone, I hope you all are fine. सबको जुम्मा मुबारक. आज रमदान मंथ का पहला जुम्मा है और आज का दिन बहुत स्पेशल होता है. सब प्रे करो और जिन्होंने रोज़ा नहीं रखा है वो रोज़ा भी रखो, और जो रोज़ा नहीं रखते हैं एटलीस्ट फ्राइडे वाले दिन का रोज़ा कोई भी मिस मत करो. और आज के दिन मैं ये व्लॉग बना रही हूँ. ऐसा कोई मूड नहीं था मेरा व्लॉग बनाने का. This is very, you know, unplanned vlog. So, because Ammi is making biryani. Biryani is my favorite dish, especially when Ammi makes. So, I thought let's shoot this, you know, special moment. How Ammi makes biryani for us. And this is very special recipe. कि ये कुछ ज़्यादा fancy recipe नहीं है. कि जो कई सालों से मेरे घर में जिस तरीके से बिरयानी बनती आ रही है वो हम सबको वही पसंद आती है. एक्चुअली मैंने बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत जगहों पे ट्राई की है, लेकिन मुझे इससे ज़्यादा बेस्ट बिरयानी नहीं लगती है. सो या लेट्स सी हाउ टू मेक. ओके, तो पहले मैं बता दूँ कि मैंने किसी को बताया नहीं हुआ है कि मैं व्लॉग बना रही हूँ. ये कोई यू नो प्रॉपर कुकिंग व्लॉग नहीं है. तो जस्ट मुझे ये कैप्चर करना था ये मोमेंट कि रमदान में स्पेशल डे पे स्पेशल डिश मेड बाय मॉम. तो वो मोमेंट मुझे कैप्चर करना था, तो इसलिए मैं ये बस जस्ट वीडियो शूट कर रही हूँ. तो मैंने अम्मी को भी नहीं बताया एक्चुअली कि मैं ये व्लॉग बनाने वाली हूँ. जैसे ही अम्मी बनाती जाएंगी तो मैं जस्ट किचन में जाके खड़ी हो जाऊँगी और अम्मी से बातें करती जाऊँगी. बातें बातों में मैं पूछती हूँगी ये क्या कर रहे हो, वो क्या स्टेप है, और बस ऐसे ही मैं इस व्लॉग को शूट कर लूँगी. ओके, सो यहाँ पर अभी अखनी तैयार हो रही है. इसको अखनी बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता था, मैंने अभी अम्मी से पूछा है. और इसमें क्या होता है, जो भी जितने भी केजी आपने चिकन लिया है उसको पानी में डाल के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट, बे लीफ, सौंफ और कोरिएंडर, अनियन और जितने भी मिक्स स्पाइसेस होते हैं जिसको आई थिंक खड़ा मसाला बोलते हैं, वो सब कुछ इसके अंदर डाल के उसको अच्छे से बॉयल देना है. ओके, जब तक अखनी तैयार होती है तो दूसरी साइड में जब तक अम्मी ने ये पेस्ट बनाया है, इसमें ग्रीन चिली, जिंजर, गार्लिक, अनियन और थोड़ा सा आई थिंक सॉल्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा अचार भी डालेंगे थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर देने के लिए. बाकी ये अम्मी के हाथ का घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है. दिस इज़ द सीक्रेट यू नो इन्ग्रीडियंट. और बाकी के मसाले ओके, तो यहाँ पर अम्मी ने 2 घंटे पहले ही यहाँ पर राइस सोक करके रख दिए थे अराउंड 3 kg. और साइड बाय साइड बाकी की प्रिपरेशंस भी चल रही हैं. जो भी प्री स्टेप्स होते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी. ओके, सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 1. जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो उसमें प्याज डाल लें जब तक वो गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी नहीं हो जाते. दिस इज स्टेप नंबर 2. अम्मी ये क्या क्या है? बेटे गरम मसाला है, इसमें जो है दालचीनी है, बड़ी इलायची है, लौंग है, सफेद इलायची है, जीरा है. ओके, और इसके अंदर स्टेप नंबर 3 है क्या? हमें ग्रीन पेस्ट, इसमें अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है. ओके, ये सारा इसमें डाल दोगी? सारा नहीं डालूंगी मैं, ज़्यादा पीता मैं थोड़ा बचा लूँगी क्योंकि मुझे शहरी के लिए ही चिकन बनाना, तो इसमें भी डालूंगी. ओके, ओके, सो दिस इज़ द स्टेप नंबर 4 जो हमने प्री स्टेप किया था. जो मैंने स्टेप नंबर 1 में बताया था, अखनी जो बनाई थी उसमें से सारा
चिकन निकाल कर अब मसाले में डालना है, क्योंकि मसाला भुन चुका है और जितने भी चिकन है उसको हम इसमें डीप फ्राई करेंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। चार भी डलेगा इसमें? हाँ, मिर्च का चार ही है। ठीक है बेटा। ये क्या चीज़ है बेटा? ये गरम मसाला मेरा अपना घर का बना हुआ बिरयानी। ओके, तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट है हमारी होममेड बिरयानी का, मेड बाय अमीर। Okay, what is the next step? अम्मी, what is the next step? ये जो अखनी का पानी मैंने उबाला था, अब ये अखनी, अच्छा यही वाला पानी यूज होगा इसमें। अब ये भून चुकी है अखनी, देखो तेल और मसाला भूनने लगा है। मेजरमेंट है जितने जितना एक गिलास चावल है, हाँ एक गिलास चावल है तो दो गिलास पानी। अगर चावल आपके ज़्यादा भीग गए हैं, आपने दो तीन घंटे पहले भिगो हैं, तो डेढ़ गिलास पानी भी चल जाएगा। ओके, डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ राइस। तो कम भीगे हुए हैं तो एक गिलास चावल है तो उसमें दो गिलास पानी ज़्यादा। ओके, तो अब अम्मी सारे राइस का पानी निकाल के इसके अंदर डाल रही हैं जो हमने राइस सोक किए हुए थे। ओके, अब इसको सब कुछ मिक्स हो चुका है, राइस इसमें जा चुके हैं, अब इसको अच्छे से चलाने के लास्ट स्टेप, इसमें सॉल्ट डालना है। हाँ, दिस इज द फाइनल स्टेप, लास्ट में सब कुछ मिक्स हो गया है, राइस जा चुके हैं, अब इसमें सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसको ढक के कवर करके रख देंगे। सो दिस इज़ फूड कलर जो बिरयानी में डाला जाता है, बहुत डिफरेंट कलर के होते हैं बट हम यूजुअली यही वाला कलर यूज़ करते हैं। ओके, दिस इज़ अम्मी ये क्या है? ये बेटा केवड़ा। केवड़ा, केवड़ा, ओके। ये इसमें बिरयानी में फ्रेग्रेंस लाने के लिए यूज़ किया जाता है।
Okay, so this is the final look, and mashallah, it looks so yummy. I can't take my eyes off. आप सबको अच्छा लगा हो व्लॉग। एक्चुअली ये बहुत प्रॉपर कुकिंग वाला व्लॉग नहीं था, तो जस्ट रैंडम जैसे भी बन पाया मैंने बना लिया। मुझे खुद को समझ आ गया क्या क्या डाला है। एक्चुअली मुझे आ गई ये बिरयानी बनाने की कैसे बनती है, और नेक्स्ट टाइम आई कैन कुक माई सेल्फ, और नेक्स्ट टाइम मैं स्पेशल प्रॉपर कुकिंग व्लॉग बनाऊंगी जब अम्मी को पहले ही बताकर कि आज का मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जस्ट कीप प्रेइंग एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। बाय।